नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख करके आए हैं और स्क्रीन पर भी आप सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपका जो मैग्नेट वाले लेसन का टेस्ट हुआ, इसके आंसर की फाइनली आ चुकी है। अब आप अपने सभी क्वेश्चनों को मैच करके देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन गलत है और कितने क्वेश्चन सही है। और जो भी साथी इस चैनल पर नए आ रहे हैं, उन सभी के लिए मैं बता दूं कि यदि आप टेक्निकल से रिलेटेड किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़नी है, इसी के साथ साथ वैकेंसी से रिलेटेड हर अपडेट आपको सबसे पहले चाहिए, तो आप बिल्कुल सही जगह आए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज आप सभी को इस चैनल से प्राप्त होते रहेंगे। तो अब बिना देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में आपका जो भी सजेशन है वो सजेशन जरूर से दीजिएगा, और कैसा वीडियो लगा ये जरूर बताना है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। तो आइए साथ ये शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक है, चुंबक अर्थात मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। साथियों चुंबक अर्थात मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट को हम चुंबक कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र हमसे पूछा गया है, तो वो होता है साथियों Fe3O4। और यहाँ पर Fe3O4 जो ऑप्शन नंबर ए है उसी में है Fe3O4, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब कितने बच्चों का ऑप्शन नंबर ए राइट है देख लीजिएगा भाई। अब इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है। मान लीजिए कि ये एक क्वाइल है, ठीक है, ये एक क्वाइल है। अब इस क्वाइल के अंदर साथियों जैसे ही हम सप्लाई देंगे, तो सप्लाई देते ही इस क्वाइल के अंदर क्या बनेंगे भाई, पोल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पोल बन जाएंगे। और अगर साथियों इस सप्लाई को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से फेज देता हूँ और यहाँ से न्यूट्रल देता हूँ, तो यहाँ पर ये पोल भी तो चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर ये पोल भी तो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कौन सा कारक विद्युत चुंबकत्व चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है। मतलब यहाँ पर ध्रुवता, ये ध्रुवता क्यों प्रभावित हुई, क्योंकि हमने धारा की दिशा बदल दी। क्या बदल दी भाई? धारा की दिशा बदल दी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में क्या है, कुंडली की लंबाई, कुंडली की लंबाई से कुछ पोलों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा भाई, कुंडली की लंबाई आप जितनी भी बढ़ा लीजिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी है साथियों धारा की दिशा, बिल्कुल धारा की दिशा बदलोगे तो इसके पोलों पर ध्रुवता पर कोई तो प्रभाव पड़ेगा, ध्रुवता बदल जाएगी ना, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। धारा की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है साथियों सर्वप्रथम किस आकार की चुंबक बनाएगी। साथियों प्रकृति में आप सभी को पता है चुंबक अलग अलग आकार की चुंबकें बनाई जाती है, जिसमें सबसे पहले जो आपके सामने है वो है छड़ चुंबक। तो यहाँ पर पूछा गया कि सर्वप्रथम किस आकार की चुंबक बनाएगी, तो क्या छड़ चुंबक बनाएगी थी, तो मैंने आपको बताया था कि छड़ चुंबक नहीं बनाई गई थी। और ऑप्शन नंबर बी है साथियों रिंग चुंबक, जो कि बिल्कुल एक गोल चुंबक होती है, तो ये भी नहीं बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी है साथियों घोड़े की नाल की आकृति का चुंबक, घोड़े की नाल की आकृति का, यानी कि साथियों यू आकार की चुंबक, ठीक है, यू आकार की चुंबक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यू आकार की चुंबक इस दुनिया में सबसे पहले बनाई गई थी। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है साथियों बीएच वक्र में अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने में हुई करंट की खपत क्या कहलाती है। साथियों ये जो आपके सामने है ना, ये है बीएच वक्र। इस बीएच वक्र के अंदर ये है हमारे पास अवशिष्ट चुंबकत्व। अब इस अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने में यह करंट की खपत हुई। अब ये जो करंट की खपत हो रही है ना, इस करंट की खपत को हम क्या कहते हैं, निग्राहिता कहते हैं। ये आपकी ये जो है ये निग्राहिता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए है उसे है ये है अवशिष्ट चुंबकत्व, तो नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी बी है साथियों अवशिष्ट करंट, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है साथियों निग्राहित, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है विग्राहिता, तो यहाँ पर साथियों डी भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो निग्राहित है ना, इसको आपको निग्राहिता लिखना है। क्या लिखना है भाई? निग्राहिता आपको लिख लेना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पर हम चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है साथियों किस पदार्थ का अवशिष्ट चुंबकत्व का मान किस पर निर्भर करता है। मतलब किसी पदार्थ है, कोई पदार्थ है, उसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व जो बन रहा है कितना बन रहा है, किस पर निर्भर करता है। तो साथियों मैंने आपको एक बीएच वक्र बताया था, जो कि अभी अभी मैंने आपको दिखाया है, ये बीएच वक्र है। और इस बीएच वक्र के अंदर यहाँ पर ये जो हमारे पास में है एक हिस्टेरिसिस लूप है। क्या है भाई? ये हिस्टेरिसिस लूप है। अब जो यहाँ पर अवशिष्ट चुंबकत्व निर्भर करता है ना, इस हिस्टेरिसिस लूप पर ही निर्भर करता है। ये जितना बड़ा हिस्टेरिसिस लूप होगा,
मतलब ये लूप अगर मान लो कि और बड़ा हो गया, ये लूप मान लो इतना बड़ा हो गया, तो इसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व की मात्रा भी बढ़ जाएगी। लूप को छोटा कर दीजिए, अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। और सबसे छोटा लूप किसका होता है? सिलिकॉन स्टील का होता है। किसका होता है भाई? सिलिकॉन स्टील का होता है। तो सबसे कम अवशिष्ट चुंबकत्व भी उसी का होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है साथियों, किसी पदार्थ का अवशिष्ट चुंबकत्व का मान किस पर निर्भर करता है? तो वो करता है हिस्टेरिसिस लूप पर। तो बीएच वक्र तो वो पूरा हो गया, बीएच वक्र में तो काफी चीजें आ गई, बीएच वक्र में तो निग्राहिता भी होगी, अवशिष्ट चुंबकत्व भी होगा, इसी के साथ अवशिष्ट चुंबकत्व और निग्राहिता से मिलकर बीएच हिस्टेरिसिस लूप बनेगा, और उसी के अंदर क्या होता है, एक सेचुरेशन पॉइंट भी होता है। तो बीएच वक्र में तो काफी चीजें हैं, यहाँ पर जो मेन है ना वो है हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरिसिस लूप पर निर्भर करता है चुंबकत्व का मान कि कितना चुंबकत्व ये धारण कर सकता है, ठीक है, अवशिष्ट चुंबकत्व का मान। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें पूछा गया है साथियों, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? इनमें से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? साथियों क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना उसके अंदर आपको कॉपर को बिल्कुल राइट करना है, कॉपर अनुचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से 7वां क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में चालक के लिए चुंबकीय परिपथ में चालकता, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए, मतलब विद्युत परिपथ में चालकता हो गई और चुंबकीय परिपथ में समान होगा। मतलब साथियों विद्युत परिपथ में चालकता और चुंबकीय परिपथ में किससे मिलती जुलती होती है? तो वो होता है साथियों परमियंस, ठीक है, परमियंस। तो चुंबक की चालकता होती है और यहाँ पर जो परिपथ की चालकता होती है, विद्युत परिपथ की चालकता होती है, वो चालकता होती है। तो यहाँ पर इससे आप समझ सकते हैं दोनों का सेम कार्य होता है, बिल्कुल सेम होती है दोनों, ये परमियंस हो गई और ये चालकता हो गई, विद्युत परिपथ में चालकता और चुंबक के परिपथ में परमियंस। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेक्टेंस की इकाई क्या होती है? साथियों बताइए, साथियों 8वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि रिलेक्टेंस की इकाई क्या होती है? तो रिलेक्टेंस की इकाई होती है साथियों एम्पियर टर्न प्रति वेबर। क्या होती है भाई? एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा और बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो यह आ जाएगा रिलेक्टेंस की इकाई। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है, 9वें क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है साथियों, आप एक विद्युत चुंबक के खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? कोई विद्युत चुंबक है, ठीक है, कोई विद्युत चुंबक है, मान लो कि ये चुंबक है और ये के नर्म लोहे की रोड है, नर्म लोहे की रोड पर हमने क्या कर दी, कॉइल बांध दी, इस पर फेज और न्यूट्रल की हमने सप्लाई दे दी। अब आपको क्या बढ़ाना है, इसके ऊपर आपको बढ़ाना है खींचने की क्षमता, मतलब आप इसकी खींचने की क्षमता को और बढ़ाना चाहते हैं, तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है साथियों, क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाए, ठीक है, लेकिन तीव्रता का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया है बल होता है, तीव्रता का मतलब बल होता है, और अगर आप इसका बल बढ़ा दोगे तो खींचने की क्षमता तो बढ़ जाएगी, खींचने की क्षमता तो बढ़ जाएगी। और इस बल को कैसे बढ़ाया जा सकता है साथियों? इस बल को बढ़ाया जा सकता है करंट का मान बढ़ा करके। कैसे? करंट का मान बढ़ा करके। तो यहाँ पर हमें जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कब बढ़ेगी? जब करंट बढ़ेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जैसे ही बढ़ेगी यहाँ पर बल बढ़ेगा, और बल बढ़ने का मतलब है कि खींचने की क्षमता बढ़ चुकी है। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया है साथियों, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है? देखिए यह है हिस्टेरिसिस, ये हिस्टेरिसिस जो है ना एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब ही साथियों पीछे रह जाना है। हिस्टेरिसिस का मतलब क्या है साथियों? पीछे रह जाना। तो यहाँ पर पीछे रहने से बात हो रही है ना, तो यहाँ पर फिर हिस्टेरिसिस आ जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है 11वें क्वेश्चन में, किसी चुंबकीय परिपथ में एमएमएफ विद्युत परिपथ में संगत है। मतलब साथियों एमएमएफ जो है ना विद्युत परिपथ में किससे मिलता जुलता है? जैसे कि परमियन से मिलता जुलता क्या है? चालकता है। तो यहाँ पर एमएमएफ से मिलता जुलता क्या है विद्युत परिपथ में? विद्युत वाहक बल, ठीक है, क्या है भाई? विद्युत वाहक बल, जिसे हम ईएमएफ कहते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12वां है साथियों, एक वेबर बराबर क्या होता है? साथियों एक वेबर बराबर होता है 10^8 मैक्सिमम। क्या भाई? 10^8 मैक्सिमल। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है 10^18 मीटर वेबर, तो ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी है साथियों 10^8 मीटर वेबर, तो ये भी गलत है। इसी प्रकार से सी है 10^18 मैक्सिमल, मैक्सिमल ठीक था लेकिन 18 गलत आ गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है 10^8
8 मैक्सिमल, तो ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल राइट कर लेना है। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो है साथियों परिनलिका, परिनलिका मतलब होता है साथियों सोलेनाइड। क्या है भाई? सोलेनाइड, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है, परिनलिका का मतलब है सोलेनाइड। सोलेनाइड में कुंडली क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए, मतलब उसके अंदर दिशा ज्ञात करने के लिए, या फिर कहे कि उसके अंदर पोलों को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है, कौन सा नियम लागू किया जाता है भाई बताइए। बताया था इसे जस्ट पहले वाली जो क्लास थी उसी में मैंने आपको बताया, जिसके अंदर साथियों दाहिने हाथ का नियम होता है। अब यहाँ पर दाहिने हाथ का नियम तो आपको कहीं नजर ही नहीं आएगा, ठीक है, नजर जो आएगा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रयोग में आएगा, तो मतलब नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर तो दाहिने हथेली का नियम है। तो भाई दाहिने हथेली का नियम है ना, इसको अंग्रेजी में पढ़िए राइट हैंड रूल, ठीक है, क्या है? राइट हैंड रूल। तो साथियों यहाँ पर यही हो जाएगा दाहिने हाथ का नियम, ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल राइट कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है साथियों, इसको आपको काट देना है, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, ठीक है, मतलब गलत तो नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन डबल बार टाइप हो गया, ये क्वेश्चन एक बार ऊपर भी आ चुका। इसके जगह आपको एक दूसरा क्वेश्चन मानना है, जो कि मैं आपको बता दूं एक मिनट, ठीक है, इसकी जगह आपको मानना है यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, 21वां क्वेश्चन आएगा दोबारा, ये आ गया, ये देखिए ये आ गया 21वां क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 18 से पहले 21 आ गया ना, इसको आपको मान लेना है 14वां क्वेश्चन, इसको 14वां क्वेश्चन मान लीजिए, इसको 14वां क्वेश्चन मान लीजिए भाई, ये 14वां क्वेश्चन हो गया। अब इस 14वें क्वेश्चन के अंदर क्या है, फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है, फ्लक्स घनत्व है, फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई साथियों टेस्ला होती है, क्या होती है भाई, टेस्ला होती है, ठीक है, तो ये मान लिया हमने, हमारा कौन सा 14वां क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं, तो 15वें क्वेश्चन पर हम जब आते हैं तो 15वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया साथियों बीएच वक्र में एस दर्शाता है, जो यहाँ पर बीएच वक्र था, वन सेकेंड मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा, ये रहा, ठीक है, ये मैंने मिटा दिया। अब यहां से क्या है, ये देखिए जो ये वाला हिस्सा है ना, इस वाले हिस्से के लिए पूछ रहे हैं कि ये वाला हिस्सा किसे दर्शाता है, तो साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक्स वाला हिस्सा है ये निग्राहिता को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है भाई, निग्राहिता को दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। निग्राहिता, निग्राहिता क्या होती है, अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने में जो करंट की खपत हुई उसे हम निग्राहिता कहते हैं, तो ये निग्राहिता हो गई। अब यहाँ पर इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें है परमियंस की इकाई क्या होती है साथियों, परमियंस की इकाई हमें बतानी है, तो वो होती है साथियों ये रही, कहाँ है, ये रही, वेबर प्रति एम्पियर टर्न्स, क्या, वेबर प्रति एम्पियर टर्न्स, देखिए एम्पियर यहाँ है, टर्न्स नीचे आ गया, तो वेबर प्रति एम्पियर टर्न्स, ये बिल्कुल राइट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल राइट कर लेना है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, 17वें क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है भाई, पराचुंबकीय पदार्थ बताइए, पराचुंबकीय पदार्थ, तो पराचुंबकीय पदार्थ का मतलब है प्रतिचुंबकीय, क्या, प्रतिचुंबकीय, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ का यहाँ पर जो उदाहरण है वो है लकड़ी, प्रतिचुंबकीय का मतलब जो कि चुंबक से थोड़ा दूर चला जाएगा, चुंबक को पास में लाती, तो वो होता है साथियों लकड़ी, क्या होता है भाई, लकड़ी होता है। अब इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन है, 18वें क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है साथियों पदार्थ का बीएच वक्र या फिर स्टेरिसिस लूप का आकार दर्शाता है, क्या दर्शाता है भाई, ठीक है, पदार्थ का 18वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पदार्थ का बीएच वक्र या हिस्टेरिसिस लूप दर्शाता है, तो वो दर्शाता है साथियों पदार्थ की चुंबकीय विशेषता, मतलब जो पदार्थ, कोई मेटल आपने लोहा खरीद लिया, मान लीजिए कि लोहा मार्केट से आपने खरीदा, तो उसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व कितना बचेगा, ये क्या है, उसकी एक विशेषता है चुंबक से रिलेटेड, तो वो क्या बताएगा, पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं बताता है। तो यहाँ पर साथियों बीएच वक्र या फिर कहे कि हिस्टेरिसिस लूप क्या बताता है भाई, पदार्थ की विशेषता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है पदार्थ का रिलेक्टेंस, नहीं रिलेक्टेंस को मतलब नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है साथियों वो है पदार्थ की क्षेत्र तीव्रता, नहीं क्षेत्र तीव्रता से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें पदार्थ की चुंबकीय विशेषता, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल राइट कर लीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है साथियों अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, इनमें से अनुचुंबकीय पदार्थ हमें बताना है कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो बिना बिल्कुल झिझके ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट करना था, अनुचुंबकीय पदार्थ का यही एक उदाहरण है। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है साथियों निम्न में से किस विधि में
चुंबक बनाए जाने वाली छड़ को क्वाइल के बीच में रखने आवश्यक होती है। मतलब मान लीजिए कि एक क्वाइल है और आप किसी लोहे की या फिर इस्पात की छड़ को क्या बनाना चाहते हैं, चुंबक बनाना चाहते हैं और उसको इसके अंदर रख रहे हैं, तो ये कौन सी विधि है साथियों? ठीक है, इतना ही पूछा गया है कि ये कौन सी विधि है। तो साथियों ये जो विधि है ना, विभाजन स्पर्श विधि नहीं है, ठीक है, और वैद्युतिक विधि है ये। वैद्युतिक विधि कौन सी विधि है? वैद्युतिक विधि। आप कहोगे सर प्रेरण विधि भी तो हो सकती है, प्रेरण विधि हो सकती है, लेकिन कब होती? जब आप इसी के ऊपर, ये तो क्या है, ये तो एक नरम लोहे की छड़ होगी, इसके ऊपर जब आप इस्पात की छड़ रखते हैं ना, तो ये जो इस्पात की छड़ है इसके कारण क्या होगा साथियों, ये इस्पात की छड़ चुंबक बनेगी। और इस विधि को हम क्या कहते हैं? पोल चार्जिंग विधि कहते हैं। तो वो होती है प्रेरण विधि। लेकिन इस विधि में क्या हो रहा है, क्वाइल के बीच में ही, क्वेश्चन में बोला है क्वाइल के बीच के अंदर ही आपने एक छड़ रख दी है, क्वाइल के बीच में ही एक छड़ रख दी है, तो साथियों ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वैद्युतिक विधि से चुंबक बनाना। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है साथियों, पैरामैग्नेट पदार्थ चुंबकशीलता होती है, पैरामैग्नेट, ठीक है, पैरामैग्नेट पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी होती है भाई? एक से अधिक होती है। कितनी होती है? एक से अधिक होती है। पैरामैग्नेट का मतलब क्या होता है? अनुचुंबकीय। क्या होता है भाई? अनुचुंबकीय। और अनुचुंबकीय की जो चुंबकशीलता होती है कितनी होती है? एक से अधिक होती है, थोड़ी सी अधिक होती है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है साथियों, सोलेनाइड का प्रयोग निम्न में से किसमें नहीं किया जाता, मतलब सोलेनाइड का प्रयोग, ये क्वाइल का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता, ये हमें ये बताना है। ये क्वाइल है और इस क्वाइल का प्रयोग हम कहाँ नहीं करते? क्वाइल का प्रयोग हम मोटर में करते हैं, विद्युत घंटी में करते हैं, सेलो में हम नहीं करते, और यहाँ पर मापक औजारों में भी हम क्वाइल का प्रयोग करते हैं, सेलो के अंदर इसका प्रयोग नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 वाला साथियों, ओस्टेड ने क्या बताया? ओस्टेड ने क्या बताया? करंट और चुंबक में संबंध, दो चुंबकों में संबंध, प्रेरण का नियम, लेंज का नियम। प्रेरण का नियम ऑस्टेड ने नहीं दिया और लेंज का नियम भी ऑस्टेड ने नहीं दिया, और दो चुंबकों के बीच में कोई संबंध नहीं बताया ऑस्टेड ने। ऑस्टेड ने जो बताया करंट और चुंबक में संबंध बताया, ऑस्टेड ने कहा कि ये कोई धारावाही चालक है और इसके पास में अगर आप किसी मैग्नेट को लेकर के जाते हो, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हमें देखने को जरूर मिलेगा। तो ये बताया था ऑस्टेड ने, ठीक है, करंट और चुंबक में गहरा संबंध बताया ऑस्टेड ने। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलिक्स के नियम का अंगूठा दर्शाता है। साथियों हेलिक्स का नियम प्रयोग में लिया जाता है सोलेनाइड के अंदर, और सोलेनाइड के अंदर हेलिक्स का नियम प्रयोग में लिया जाता है, और अंगूठा हमें क्या दर्शाता है भाई? पोल बताता है। और कौन सा पोल बताता है? उत्तरी पोल दर्शाता है। कौन सा पोल दर्शाता है भाई? उत्तरी पोल, यानी कि एन पोल को दर्शाता है अंगूठा। तो इसको राइट कर लेना है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट एंड फाइनल लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर पूछा गया है कि सिरे का नियम, घड़ी की दिशा, ठीक है, मान लीजिए सिरे के नियम में यदि धारा की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में है, मतलब धारा की दिशा, ये क्वाइल है, एक सेकंड, ये एक क्वाइल है, ठीक है, और इस क्वाइल के अंदर साथियों धारा की दिशा, ये है धारा की दिशा, इस ओर हमें जाती हुई प्रतीत हो रही है, और इसी ओर हमारी क्या होती है भाई? घड़ी की दिशा भी घूमती है। तो यहाँ पर ये जो पोल बनेगा, ये कौन सा पोल बनेगा? एस पोल बनेगा। कौन सा पोल बनेगा भाई? एस पोल बनेगा। और अगर करंट की दिशा घड़ी की विपरीत दिशा में होती तो यहाँ पर एन पोल बनता। तो अभी के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल राइट कर लीजिएगा, एस पोल बनेगा। तो उम्मीद है साथियों आज के वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों, मार्शल लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।